जय श्री गणेश जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष और आध्यात्मिक में। मैं आचार्य संध्या सक्सेना आप सबको प्रणाम करती हूँ। और आज जो हम आपको वीडियो बता रहे हैं, इस वीडियो में हम आपको उपाय दे रहे हैं। ये उपाय जो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही कम सुनने में मिलता है। तो इस उपाय में आपको क्या करना है, सोमवार वाले दिन आप इस उपाय को करेंगे। यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ गया है, डर बढ़ गया है, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका काम नहीं बन रहा है, बिगड़ रहा है, दाम्पत्य जीवन आपका ख़राब हो चुका है, लव लाइफ ख़राब हो चुकी है, नौकरी में समस्या आ रही है, नौकरी से निकाल दिया है, प्रमोशन को लेकर समस्या आ रही है, यानी कुछ भी यदि आपको फील होता है कि आपके जीवन में कुछ घट रहा है, बढ़ रहा है, तो आपको यही उपाय करना है। इसके लिए आपको सोमवार को भगवान शिव के मंदिर में जाना है। और जब आप जाएंगे तो एक जटा वाला नारियल जरूर लेके जाइएगा, जिसमें पानी होता है ना जो देवी को चढ़ता है वो वाला, और आपकी जो लंबाई है उसके बराबर का एक मोली या कलावा लेके जाएंगे। अब आपको शिवलिंग के सामने बैठना है और भगवान शिव की और माता पार्वती की विधिवत पूजा करेंगे। धूप दीप अगरबत्ती जला के और दिया जलाएंगे, सरसों के तेल का या देसी घी का, जैसा आपके पास कन्वीनियंट हो तो उसको जलाइए। तिल के तेल का भी जला सकते हैं। फिर आपको अपनी लंबाई के बराबर का जो आपने धागा लिया है उसको आपको नारियल पर अच्छी तरह से लपेट देना है और वहाँ पे बोलना है शिव जी महाराज से कि हे शिव जी महाराज, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है और मेरे साथ लाइफ में कुछ इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, मेरे जीवन की ये सभी समस्याएँ दूर हो जाएँ। जो भी आपकी समस्या है उसको बोलना है। उसके लिए मैं आपके नामों को 108 बार बोल रहा हूँ। उसके बाद आपको 108 नाम आपको नेट पे भी मिल जाएंगे, अन्यथा आपको कोई किताब से भी आप ले सकते हैं। फिर आपको शिवलिंग पे ही बैठ के भगवान शिव के 108 नामों को बोलना है। और 108 नाम बहुत सारे होते हैं, जैसे चंद्रशेखर होता है, शिव होता है, शंकर भी होता है, आशुतोष होता है, इस तरह से आपको 108 नाम मिलेंगे। उसको आपको पहले आप शिवलिंग पे नाल रख देंगे, फिर आप हाथ जोड़ के 108 नाम लीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आपको क्षमा कर दें। और इस उपाय को करने के बाद, इसको उपाय नहीं बल्कि आप प्रेयर कहेंगे, शिवलिंग की आधी परिक्रमा कीजिए, उनके आप धूप दीप अगरबत्ती जलाइए, शिव जी की आरती कीजिए और उसके बाद हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगते हुए आपको वापस आ जाना है। ध्यान रखने वाली ये बात है कि आप जो नारियल लेंगे वो जटा वाला होना चाहिए और जो मोली होती है यानी कि जो कलावा हाथ पे बांधते हैं वही होना चाहिए, और आपकी लंबाई का ये मोली कटी हुई होनी चाहिए। इसे पहले घर से नाप के लाएंगे और उसके बाद वहाँ पे आराम से बटके से लगा लीजिए। आप चाहे तो उस पर आप चंदन से स्वास्तिक भी बना सकते हैं, उस पर धूप दीप रोली कच्चा चावल। और एक चीज़ और बताऊंगी कि जब भी भगवान शिव की पूजा होती है, जब भी आप करें तो एक मुट्ठी कच्चा चावल बिना टूटा हुआ उस पर डाल के फिर उस पर दूध जरूर चढ़ा दे, थोड़ा सा कच्चा और थोड़ा सा जल चढ़ा दे। इससे क्या होगा कि आपकी शिवलिंग जो है उस पर आपके मल्टीपल हो जाएंगे। कच्चा दूध और चावल, ये चंद्रमा का भी उपाय होता है और साथ में ये शुक्र का भी उपाय होता है और ये सोम का भी उपाय है, शिव का भी उपाय है, पार्वती जी का भी उपाय है, तो ये मल्टीपल आपके लग जाते हैं। इसको लगाना चाहिए, ख़ासतौर पे ये नौकरी व्यवसाय में भी हमको मदद करता है, सहायता करता है। तो आप इसको करिए, आपको फ़ायदा होगा। और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपको किसी भी तरह की समस्या है तो 8126476399 पर व्हाट्सअप कीजिए वॉइस मैसेज में। थैंक यू सो मच।